हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि ऐसे ऐसी जीडी की तरफ से जो आप सभी के लिए जो बहुत ही अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सभी को हम बताते हैं कि ऐसे ऐसी जीडी की तरफ से आप सभी के लिए जो है 56,000 के आसपास आप सभी को वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक ऐसे ऐसी की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले भी एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि ऐसे ऐसी जीडी का जो वैकेंसी है 1 जनवरी 2023 में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। बट अभी अभी एक जो है आप सभी के लिए एसएससी की तरफ से बहुत ही गुड न्यूज निकल कर आ रही है जो कि आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022-23 सीजन 6 जुलाई 2022। यानी आप सभी को बता दें कि आज ही के दिन नोटिफिकेशन जो है फ्रेंड्स एसएससी के ऑफिशियल साइट पर जो है रिलीज किया गया। आप सभी वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितना भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा वैकेंसी आप सभी को, ठीक है, वो हो ही रही है। ठीक है, आप सभी को तो पता होगा कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी जो है हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन का चल रहा है जो कि आप सभी को 5 जुलाई से होकर के 26 जुलाई तक इसका एग्जामिनेशन चलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेट यहाँ पे, क्लोजिंग डेट यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट डेट कब इसको जो है जारी किया गया था नोटिफिकेशन उसके बारे में समझा रखा है। बट यहाँ पे हम फ्रेंड्स स्पेशली सिंपली बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का। तो आप सभी की यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा बीएसएफ एंड राइफल जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2022। यानी आप सभी को हम फ्रेंड्स बता दें कि इसका जो नोटिफिकेशन है 10/12/2022 को आप सभी को देखने को मिल जाएगा दिसंबर में। एंड इसका स्टार्टिंग डेट 19/1/2023 आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे मार्च या अप्रैल तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो कि एसएससी की तरफ से फ्रेंड्स जो है जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स इस बार जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन एसएससी जीडी में नहीं हुआ उनके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप सभी यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। इससे पहले जो जारी किए गए थे आप सभी को यहां पर हम दिखा देते हैं, बैक आएंगे उसके बाद आप सभी को यहां पर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप सभी यहां पर देख सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2021-22 के बीच में। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो नीचे की तरफ आएंगे तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एसएससी जीडी के यहाँ पे सबसे लास्ट में दे रखा है कांस्टेबल जीडी ने सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एनआई एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल्स। ठीक है, इसका जो है आप सभी को एडवर्टाइजमेंट आने वाला था 22/2023 को और इसका अप्लाई डेट होने वाला था 31/3/2023 को, लास्ट जून तक इसका डेट था जो कि फ्रेंड्स न्यू नोटिफिकेशन एक जारी किया गया। आप सभी को बहुत ही जल्द दिसंबर में वैकेंसी 56,000 के आसपास आप सभी को एसएससी जीडी में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही खुशखबरी है फ्रेंड्स, आप सभी यहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी भर्तियां न्यू आती हो आप सभी के पास सबसे पहले अपडेट पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।